11 तारीख की बात है, सुबह 4:30 बजे मैं अपना काम ही कर रही थी, तो बोलता है सीधे सीधे कहाँ जा रही हो, गिरिराज सर जो थे, कहाँ जा रही हो, हमें भी अपना सेवा पानी का मौका दो। फिर उसने वापस बात अपना हो गया कि एक रात रुकने का क्या लोगी, तुम मेरा कहाँ मान लो, तुम चैन मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। फिर मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तो वो कहता है कि तुम मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, तुम जैसे बाजारू औरत मैंने बहुत देखा है, तुम्हारी नौकरी निकलवा दूंगा, तुम्हें भीख मांगने का हो जाएगा। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दिन जयपुर एयरपोर्ट पर, जो आपको जो जवान थे जो एएसआई थे उनके ऊपर हाथ उठाना पड़ा सीआईएसएफ के? सर रोज सुबह 4:30 बजे, मतलब रोज मैं वही काम करती हूँ, 11 तारीख की बात है, सुबह 4:30 बजे मैं अपना काम ही कर रही थी, तो बोलता है सीधे सीधे कहाँ जा रही हो, गिरिराज सर जो थे, कहाँ जा रही हो, हमें भी अपना सेवा पानी का मौका दो। फिर मैंने कहा लेडीज कांस्टेबल को बुलाओ मेरी फ्रिस्किंग के लिए, तो कहता है एक, मतलब फिर उसने वापस बात अपना हो गया कि एक रात रुकने का क्या लोगी, तुम मेरा कहाँ मान लो, तुम चैन मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा ऐसे। तो फिर मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तो वो कहता है कि तुम मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, तुम जैसे बाजारू औरत मैंने बहुत देखा है, तुम्हारी नौकरी निकलवा दूंगा, तुम्हें भीख मांगने का हो जाएगा अगर तुम मेरा कहानी मानोगी। मामला आपने दर्ज कराया, उसके पहले इन्होंने भी मामला दर्ज कराया? उन्होंने पहले दर्ज करवाया जी, फिर आपने दर्ज कराया। हाँ, तो मतलब ये जो तमाम आरोप आपने लगाए, हालांकि कल आपको जमानत नहीं मिली, जांच तो नहीं, जांच का विषय है, आगे भी कोई कंप्लेन करी पुलिस के अलावा? पुलिस के अलावा कहीं कंप्लेन नहीं किया है मैंने। आप चूंकि जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी भी आपके साथ है, ये जो घटनाक्रम है पहली बार, कितनी लंबी आपकी सर्विस हो गई है? पर मुझे स्पाइसजेट में 5 साल कंप्लीट होने वाला है, दिसंबर में मेरा पूरा 5 साल हो जाएगा, और मैंने काफ़ी अलग अलग एयरपोर्ट में भी काम किया है, और मैं भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे अच्छे से रूल रेगुलेशंस क्या है मुझे सब पता है कि एक एयरपोर्ट में कैसे क्या काम करना है। तो उनका ये स्टेटमेंट है कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ अंदर जाने के लिए, और मेरे पास वो वैलिड कार्ड भी नहीं है, जो AEP होता है हमारा, जो एयरपोर्ट एंट्री परमिट कार्ड होता है, वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से जो अथॉरिटी मिलता है उसके थ्रू हमें वो AEP मिलता है कि आप एप्लीकेबल हो अंदर जाने के लिए। तो उनका ये भी स्टेटमेंट है कि मैंने गलत AEP दिखाया और मैं बहस कर रही हूँ, तो गलत AEP होगा तो मुझे वहाँ पे मैं काम ही क्यों करूँगी, मैं भी तो एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा जो पोस्ट है स्पाइसजेट में सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव है। तो उनका जो स्टेटमेंट है कि एक तो गलत बोल रहे, फिर गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ मुझे जाने दो। हम रोज जाते हैं, ऐसा कोई फर्स्ट डे नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं वहाँ पे, और मोस्टली वहाँ पे CI मतलब हम फीमेल स्टाफ ही जाते हैं, एक दिन मैं गई तो अनदर डे कोई अदर लड़की जाती है। आप चूंकि काफी लंबे समय से आपने बताया तकरीबन 5 साल आपको सर्विस होने वाले हैं, जो ASI यहाँ पर तैनात थे उनसे पहले भी कभी आपकी कोई मुलाकात हुई, क्योंकि तो वो भी वहाँ पर वो जो स्टाफ था, अब हम लोग रोज से ऐसे सबसे कांटेक्ट तो करते हैं, बट फीमेल से हमारा ज्यादा कोऑर्डिनेट होता है, मेल स्टाफ है उनका काम होता है, हम स्लिप दे देते हैं, उनका काम है एंट्री करना, सिक्योरिटी जो भी उनका सिक्योरिटी रूल है, जो HLV गेट में केटरिंग आ रही थी उनको फ्रिस्किंग करना, वो उनका काम होता है, हम उनसे बात ही नहीं करते हैं, अपना गए स्लिप दिया काम खत्म। फीमेल स्टाफ है तो हम सीधा अंदर चल जाते हैं फ्रिस्किंग के लिए, उस टाइम वहाँ पे फीमेल स्टाफ नहीं थी, रोज की तरह जो मैंने काम अपना स्लिप दे दिया, स्लिप देने के बाद उन्होंने मेरे से गलत शब्द यूज में करने स्टार्ट कर दिया बोलना। पहली बार हुआ जब फीमेल स्टाफ नहीं थी वहाँ पे, रोजाना वहाँ पर जो ड्यूटी पर अमूमन जाने ही पड़ता है, तो कभी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि फीमेल स्टाफ ना हो? वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम फीमेल स्टाफ होती है, नाइट में नहीं रहती है, और वो रोज ऐसा ही होता है कि हम केटरिंग गाड़ी लेकर जाते हैं, उनको स्लिप देते हैं और हम डिपार्चर हॉल पे चल जाते हैं, उधर फीमेल स्टाफ कभी नहीं होती है।